आप देख रहे हैं टीम सिटी लाइव और मैं मुखर कविता जयपुर से आपका अभिनंदन करती हूँ। पूरे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की इस 73वें वर्षगांठ पर अभिनंदन करती हूँ और 74वें वर्ष पे के प्रवेश द्वार पर खड़े हम पूरे उत्साह, जोश और ऊर्जा संग कहना चाहते हैं, मेरा भारत मेरा अभिमान, जननी जन्मभूमि मां भारती तेरी जय हो। स्वाधीनता दिवस पर मित्रों, सिटी लाइव लेकर आया है आपके लिए देशभक्ति के भाव से सराबोर एक जोशीली शाम। तो आइए इस जश्न में हम डूब जाएं। देखो यारों यह झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मेल है सारा। कार्यक्रम शुरू करूं और आपको अतिथियों से मिलाऊं, उसके पहले मैं मशहूर शायर राहत इंदौरी जी की दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। ऐ जमीन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, ऐ जमीन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। आइए दोस्तों, आज की जो ये शाम है, इसको आज हमारी जो मंच है, जो समृद्ध मंच है, इसमें कौन कौन है, आज के जो अतिथि कौन कौन है हमारे बीच में, मैं आपको इन सबसे एक बार मिलवाती हूँ। हमारे बीच भरतपुर से हैं अभिषेक अमर जी हैं, जो कि एक युवा वीर रस के कवि हैं, और जयपुर से हमारे बीच अनु सोगानी जी हैं, हमारे बीच सुनीता बिश्नोलिया हैं जयपुर से, वरिष्ठ कवि कविवर किशोर पारी किशोर जी हैं, जो कि एक वरिष्ठ कविवर किशोर कुमार किशोर पारी जी से आप मिले अभी, और हमारे बीच मृदुला जी जुड़ी हैं कलकत्ता से, मृदुला कोठारी जी हैं, स्वेन सार्थक जी जुड़े हैं हमारे बीच दीक भरतपुर से, संजय शुक्ला जी जुड़ रहे हैं हमारे बीच कोटा की धरती से, और श्रेणी दानचरण जो वयोवृद्ध कवि हैं आप उदयपुर से जुड़े हैं, और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं श्रीमान ओम पाल सिंह निडर, जो कि एक बहुत ही ख्यातनाम कवि हैं और उनसे आप सभी जने परिचित हैं। मैं आप सभी का टीम सिटी लाइव के इस मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं अब आज के जो पहले जो कवि हैं अभिषेक अमर वीररस जी, उनका मंच में स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ, आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें और आज के कार्यक्रम जिस प्रकार से दर बाय दर चलेगा उसमें हम अंतिम पायदान तक चलेंगे। तो हमारे बीच आ रहे हैं अभिषेक अमर वीररस के कवि। अभिषेक जी आपका माइक अनम्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे कैसे आकर हमारे है, कैसे लहरा पाया लाल किले पर, क्या क्या हमें बलिदान देना पड़ा, कितनी कलिया और भाई तब कहीं एक मंत्र पाया, कितनी कलिया और भाई तब कहीं एक मंत्र पाया, बहनों ने राखी तोड़ी सुहागिनों ने बिंदू लौटाया, लोके 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 माताओं ने आके और जाकर के अमर के रामा लाल किले पर लिया, और कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। अभिषेक जी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी, मुझे लग रहा है कि आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर है, तो मैं तब तक अन्य कवियों को ले लेती हूँ और उसके बाद जब शांत हो जाए तो आप इशारा कर दें, मैं आपको फिर, क्योंकि आपकी अच्छी अच्छी कविता हम सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच जयपुर से अनु सोगानी जी हैं, आप मुख्यतः एक जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता हैं तथा अपने वास्तुशिल्प और डिजाइनिंग फॉर्म के निदेशक हैं, आपको इन कार्यों के लिए बुलेटिन डे वुमेन प्रोग्रेसिव अवार्ड तथा मरुधरा महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। संवेदनशील मुद्दों और मानवीय भावनाओं पर लघु कविताएं करने का आपको शौक है और आप अब मंच पर आमंत्रित हैं कि देशभक्ति पे आप क्या लिख रहे हैं आप सुनाएं। अनु सोगानी जी, बहुत धन्यवाद टीम सिटी लाइव और सेवा सिटी का, आज स्वतंत्रता दिवस की इस संध्या को और ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए मैं टीम सिटी लाइव का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मौका दिया
इस मंच पे मुझे देश के इतने वरिष्ठ और इतने नामी कविगणों के साथ मंच साझा करने का मौका मिला। आजादी मिली हमको सन 47 में, तब से लेकर सन 47 से लेकर और हाल ही में उरी और पुलवामा तक हमारे देश को हमारे पड़ोसियों से न जाने कितने अनगिनत जख्म देने की कोशिशें की गई, नाकाम कोशिशें की गई, हमारे वीरों ने उनका हमेशा मुंह तोड़ सरहद पे जवाब दिया है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि भारत देश है जहां पर हवा बहती है पुरवाई, ये पुरवाई शांति और शीतलता का भाव रखती है। आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं अनुजी, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि भूमिका बहुत छोटी सी हो, क्योंकि हमारे बीच बहुत समृद्ध मंच है, हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल, मैं क्षमा चाहूंगी इसके लिए। मेरी ये कविता इस पुरवाई की शीतलता से और हमारे इन जख्मों से ही रिलेटेड है। कविता का शीर्षक है, इस बार बही तो पुरवाई। उस पार से आने वाली हवाएं हर बार मातम ही है लाएं, उस पार से आने वाली हवाएं हर बार मातम ही है लाएं। कह दो नापाक इरादों वाले मुल्कों से, कह दो नापाक इरादों वाले मुल्कों से, इस बार बही जो पुरवाई पैगाम तबाही का है लाई, इस बार बही जो पुरवाई पैगाम तबाही का है लाई। भूल गए तुम 65 की जंग या 71 का अपना अंग भंग, भूल गए तुम 65 की जंग या 71 का अपना अंग भंग, 99 में आई मात और ताजा ताजा उरी जवाब, लेकिन तेरी फितरत में है घात। अच्छा। बात बनी न जब वर्दी वालों से, बात बनी न जब वर्दी वालों से, हाथ मिला लिया आतंक वालों से, अपनी नाकामी का बदला तूने लिया मेरे देश के लालों से, अपनी नाकामी का बदला तूने लिया मेरे देश के लालों से, जिसमें तेरी कायरता दिखती है, जिसमें तेरी बर्बरता दिखती है। तू बेपरवाही में खो मत जाना, तू बेपरवाही में खो मत जाना, चैन की सांसें लेकर सो मत जाना, देख रही है दुनिया सारी हम भी कर रहे हैं तैयारी, देख रही है दुनिया सारी हम भी कर रहे हैं तैयारी, तूने 40 वीर हैं मारे अभी 125 करोड़ सर हैं हमारे, कितनों को तू काटेगा कितनों को तू मारेगा, जिहाद नाम पर जो बंदूक उठाएगा, जिहाद नाम पर जो बंदूक उठाएगा वो बस मारा ही जाएगा, ऐसे बोझक भी ठुकराएगा। करवट बदल रही है फिजा, पैगाम लेकर चली हवा, करवट बदल रही है फिजा, पैगाम लेकर चली हवा, वतन मेरा आबाद रहेगा, नापाक मंसूबे बर्बाद करेगा, तो याद रहे इस बार बही जो पुरवाई पैगाम तबाही का है लाई, इस बार बही जो पुरवाई पैगाम तबाही का है लाई। अनुजी आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, और जो ये जिहाद है या किसी प्रकार का भी आतंक है, आतंकवाद क्रियाएं हैं, वो बर्दाश्त नहीं होगी। एक देश के लिए सम्मान और शान ज्यादा और अधिक जरूरी है। देश तभी स्वतंत्र रहता है और सभी तभी विकास करता है, तभी वो संप्रभुता पर अडिग रहता है। मैं अपने मंच की, आज के मंच की अगली कवित्री सुनीता बिश्नोईया जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सभी विधाओं में अपना कलम चलाती हैं, चाहे कविताएं हैं, कहानियां हैं, लघु कथा हैं, लेख है, संस्मरण है, डायरियां हैं, आप सभी विधाएं लिखती हैं, परंतु दोहे और छंद में आपको महारत हासिल है। गुलाबी नगर की आप एक उभरती लेखिका हैं, विभिन्न साहित्यिक मंचों से आप पुरस्कृत हैं, श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान से भी सम्मानित हैं आप, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह और राजस्थानी संग्रह तो है ही है आपके, आप विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी कर चुकी हैं। मैं सुनीता बिश्नोईया, जो मेरी प्रिय सखी है, आमंत्रित करती हूँ मंच पर आज एक देशभक्ति रचना सुनाने के लिए। स्वागत है आपका मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, टाइमली सिटी लाइव, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए अपना अपनी कविताएं हैं, सबसे पहले मैं मुक्तक सुनाना चाहती हूँ। आपने मुझे कहा कि सरस्वती वंदना भी करनी है, तो मैंने कुछ दोहे निकाले उसके लिए, तो कोई बात नहीं, मैं अभी एक दो मुक्तक सुना देती हूँ। सबसे पहले, अश्रु आंखों में भर हम भर लें याद उनको जरा कर लें, अश्रु आंखों में हम भर लें याद उनको जरा कर लें, वतन पर मिट गए हैं जो, वतन पर मिट गए हैं जो, आओ उनको अमर कर दें। खानी सौगंध अब होगी, खानी सौगंध अब होगी, पलट कर वार करना है, खानी सौगंध अब होगी, पलट कर वार करना है, शहीदों की चिताओं से दिल में अंगार भरना है, शहीदों की चिताओं से दिल में अंगार भरना है। तो मैं अपना अगला मुक्त सुनाती हूँ। मैं भारत, मैं अपने आप को भारत मानकर अपने मन की बात मैं आप लोगों से कहती हूँ। कहता हूँ सुनो अपनी जुबान बातें वो पुरानी, कहता हूँ सुनो अपनी जुबान बातें वो पुरानी, मेरी खुशियां मेरी मुस्कान है शहादत की निशानी, मेरी खुशियां मेरी मुस्कान है शहादत की निशानी। मैं अपने सांसों को हंसते हुए, वो अपने सांसों को हंसते हुए मेरे नाम कर गए, अपने वीरों की सुनाता हूँ तुम्हें अपनी अजब कहानी, अपने वीरों की सुनाता हूँ अजब सुनना कहानी। तो भारत अगली पंक्तियों में कहते हैं, मेरी हस्ती जरा देखो मेरी मस्ती जरा देखो, मेरी हस्ती जरा देखो मेरी मस्ती जरा देखो, हिमालय है मुकुट मेरा बहती गंगा जरा देखो, हिमालय है मुकुट मेरा बहती गंगा जरा देखो। मैं भारत हूँ गर्व मुझको शौर्य संतान से मेरी, मैं भारत हूँ गर्व मुझको शौर्य संतान से मेरी, है लहराते तिरंगे से शान मेरी जरा देखो, है लहराते तिरंगे से शान मेरी जरा देखो। ये तो थी भारत की बात। तो अब भारत ने किस तरीके के दौर देखे ये भी मैं अभी बात मुक्तक में ही करना चाह रही हूँ। रंग सपनों में भरने को दौर मुश्किल भी देखे हैं, रंग सपनों में भरने को दौर मुश्किल भी देखे हैं, आंच संघर्ष में तपकर बनते कुंदन भी देखे हैं, आंच संघर्ष में तपकर बनते कुंदन भी देखे हैं। मुश्किलों से न डरते हैं टकराते हराफत से उबलते रक्त में वीरों के उबाल देखे हैं। अब एक मुक्तक और, बसंती रंग राहों में फिजाएं भी बसंती है, महक है रक्त की हर सू दिशाएं भी बसंती है, जज्बा आकाश से ऊंचा चीर पर्वत को देते हैं, देश के भाल पर शोभित तिरंगा ये बसंती है। जब मैं बात करती हूँ तिरंगे की तो तिरंगे के संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां आपको बताना चाहूंगी। तो देख तिरंगा मन में उमड़ता संकल्पों का सागर, देशभक्ति के भाव भरी है हर जन मन की गागर, रंग उठाते हैं हर दिल में भावों के तूफान, तीन रंग का यही तिरंगा देश की है पहचान। शौर्य गीत वीरों के केतु लहरा करके गाए, शानमान अभिमान देश के वैभव गान सुनाए। केसरिया बाना धरकर हर वीर समर में जाता, अंबर तक के शौर्य पताका जमा देश का फहराता। काली करतुत शत्रु की ना देख रिपु की कुटिल चाल ना आंखों में रक्त उतर आए। श्वेत शांत ये विजय पताका उत्साह हृदयों में भरकर परचम देश का फहराती है लहर लहर लहराकर। सत्यनायके हेतु पताका पवन में शांत पहचान देश की हिमगिरी संग बतलाती। वैभव और सौरभ बिखराते बहुग्राम तिरंगे के नीचे है विपुल अन्न भंडार देश में गंगा धरती को सींचे। कह रहा है यूं ही ये तिरंगा
फहराए यूं ही ये तिरंगा, इससे है सम्मान, तीन रंग का यही तिरंगा, तीन रंग का यही तिरंगा, देश की है पहचान, देश की है पहचान, देश की है पहचान। एक बहुत ही एक कविता, छोटा सा गीत मैं सुना दूं, गाऊंगी नहीं, बस सुना देती हूँ अगर टाइम है तो। बस आप समय की सीमा का ध्यान रखेंगी। हाँ, भूले द्वेष दंभ को त्यागे बस छोटी सी आशा है, भूले द्वेष दंभ को त्यागे बस छोटी सी आशा है, एक रहिए भारत अपना, मेरा ख्वाब जरा सा है, मेरा ख्वाब जरा सा है, गीत प्रीत के गूंजे हरसू, गीत प्रीत के गूंजे हरसू, मधुर रागिनी बजने दो, देशभक्ति के मधुर तरानों वाली महफिल सजने दो, वाली महफिल सजने दो, भिन्न भिन्न परिवेश यहाँ पर, भिन्न भिन्न परिवेश यहाँ पर, भिन्न हमारी भाषा है, एक रहे ये भारत अपना, मेरा ख्वाब पहचान देश की, मेरा रंग बदलाती, रंग रंग बदलाती, रंग में बिखराने दो, भिन्न भिन्न परिवेश यहाँ पर, भिन्न भिन्न परिवेश यहाँ पर, भिन्न हमारी भाषा है, एक रहे ये भारत बसवा का गौरव, भारत की परिभाषा है, एक रहे ये भारत अपना, मेरा ख्वाब जरा सा है, मेरा ख्वाब जरा सा है, हमको शिक्षा के आलोक से हमको जग अंधियार मिटाने दो, बस श्रेष्ठ जगत में हो भारत, बस श्रेष्ठ जगत में हो भारत, कर्मों से बतलाने दो, कर्मों से बतलाने दो, वीर सपूतों की ये धरती करती हमसे आशा है, बंद करो, वीर सपूतों की धरती करती हमसे आशा है, एक रहे ये भारत अपना, मेरा ख्वाब जरा सा है, मेरा ख्वाब जरा सा है। धन्यवाद। दो आपने बहुत ही खूबसूरत कविता सुनाई, लेकिन आपने इतने समय में बहुत सारा कुछ कंप्रेस कर दिया। खैर, बलिदानों की जो आपने याद दिलाई है वो बहुत जरूरी थी, और मेरा ख्वाब जरा सा तो चाहिए ही। मगर दोस्तों, अब आपके बीच एक वरिष्ठ कविवर आ रहे हैं, आप ही के पसंदीदा किशोर पारी किशोर जी, जो कि वरिष्ठ तो हैं मगर उनका हृदय देखे तो बहुत ही किशोर हैं। वो राजकीय लोक प्रशासन में आप पुस्तकालय अध्यक्ष तो है ही, आपके गीतों में पहले देश आता है। आपकी की चार पंक्तियों के साथ में आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आजादी हित फांसी खाई श्री राधे, उनकी यादें हैं बिसराई श्री राधे, नमन हजारों वीर शहीदों को मेरा, नमन हजारों वीर शहीदों को मेरा, मेरी आंखें भर आई श्री राधे। वैसे आपका परिचय बहुत कुछ है, आप जगासा के संस्थापक हैं, आप राष्ट्रीय काव्य संगम के, आप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं आपके इतनी लंबी चौड़ी परिचय देने के बजाय मैं आपको ही मंच पर आमंत्रित करना पसंद करूंगी। किशोर पारिक जी, आप मंच पर आइए और अपने रचनाओं से हमें अभिभूत करें। वंदे मातरम सभी मित्रों को। कविता जी ने श्री राधे छंद से मेरा परिचय कराया, विशेष रूप से लगभग 9 वर्षों से मैं ये श्री राधे छंद, कुछ आपने पढ़ दिए, 1-2 छंद में मेरी जहां भी आरंभ करता हूं कविता की, यहां हमारे कविता के बहुत बड़े बड़े पुरोधा विराजमान है। मैं नमन करता हूं प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी को। कविता जी, शायद आपको पता नहीं है, ओमपाल सिंह निडर इस देश की वो शख्सियत है जिन्होंने वो नारा दिया था कि सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर यही बनाएंगे, और वो नारा पूरे देश के सभी करोड़ों लोगों के जज्बात उसने पैदा किए, बहता है, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और बहुत ही एक चर्चित व्यक्ति है। खैर, मैं बिना किसी भूमिका के अपना जितनी राधे 2 छंद जरूर पढ़ूंगा। कुछ एक तो पढ़ दिया कि आओ हम सब जश्न मनाए श्री राधे, आओ हम सब जश्न मनाए श्री राधे, वंदे मातरम सब मिल गाए श्री राधे, जिनकी कुर्बानी से आजादी पाई, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाए श्री राधे, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाए श्री राधे, तो देश भक्ति में सने हुए हैं श्री राधे, देश भक्ति में सने हुए हैं श्री राधे, किस मिट्टी के बने हुए हैं श्री राधे, सर्दी गर्मी बरसा में अपने सैनिक सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे, सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे। और 2 ताजा मुक्तक मैंने लिखे हैं, तहत में ही मैं अभी पढ़ पाऊंगा कि मेरी कलम नहीं गढ़ पाती सुंदरता की परिभाषा, मेरी कलम नहीं गढ़ पाती सुंदरता की परिभाषा, धरती माँ के गान लिखूं मैं मात्र यही है अभिलाषा,
एहसान उतारूं कैसे उनका जो भारत के लाल रहे, ऋण मुझ पर उन पुरखों का, खुद मिटे देश खुद खुशहाल रहे, खुद मिटे देश खुशहाल रहे, और दिल के अंदर हरदम मेरे पुष्प राष्ट्र का खिलता है, दिल के अंदर हरदम मेरे पुष्प राष्ट्र का खिलता है, चित्र हृदय में भारत माँ का दीप उसी का जलता है, गीत लिखूं बस इस माटी के, गाऊं बस गाथा इसकी, इस धरती की करे खिलाफत, वो ही मुझको खलता है, वो ही मुझको खलता है। और समय का सदुपयोग करते हुए मेरे गीत की कुछ कुछ पंक्तियां आई, मैं पढ़ूंगा। और मैं भारत की, भारत माँ की वंदना में मैंने एक गीत लिखा था, उसका सिर्फ प्रथम बंद ही मैं पढ़ता हूँ। निडर साहब कृपया अपना आशीर्वाद दें कि कुछ लिखने को जब भी कलम उठाता हूँ, कुछ लिखने को जब भी कलम उठाता हूँ, अक्षर अक्षर से मैं चित्र बनाता हूँ, तरह तरह के भाव जहन में आते हैं, छंद गीत कविता के हार बनाते हैं, बंद आंख के आगे तेरी सूरत है, मेरी हर रचना में तेरी मूरत है, मेरी लेखनी जो कुछ भी रच पाती है, निष्बस तेरी गाथा गाती है, शब्द सुमन के हार तुझी को अर्पित है, मेरा सब माँ भारत तुझे समर्पित है, मेरा सब माँ भारत तुझे समर्पित है, तो स्नेह भाव ममता से हमें दुलारती, सारे जग से न्यारी है माँ भारती, सारे जग से न्यारी है माँ भारती। और इस माँ भारत का जितना भी हम गुणगान करें वो कम है। चार पंक्तियां मैं हमारे उन सैनिकों को जो सीमाओं पर डटे हुए हैं और आज जिनकी बदौलत हम सब ये जश्न आजादी की खुशियां मना रहे हैं कि जय हो जय हो जय हो भारत की सेना, जय हो जय हो जय हो भारत की सेना, इनके जज्बे के बारे में क्या कहना, सरहद के संकट तो खुद से लेती है, सरहद के संकट तो खुद से लेती है, कुदरत के तांडव से लोहा लेती है, लाखों प्राण बचाए रातों लगे रहे, अपने प्राण गंवा कर फिर भी जगे रहे, अपने प्राण गंवा कर फिर भी जगे रहे, इनके मन में अल्लाह है और राम है, इनके मन में अल्लाह है और राम है, हर भारतवासी का इन्हें सलाम है, कुर्बानी पर आंखों में जलाता है, यह किशोर वीरों को शीश नवाता है, यह किशोर वीरों को शीश नवाता है। और अभी रक्षाबंधन का त्योहार गया कविता जी, और हमारी तीन बहनें यहाँ पर विराजमान है, आपको समर्पित करता हुआ इन पंक्तियों से भी कैसे मैंने देशभक्ति निकालने की कोशिश की है कि राखी का मतलब रक्षा है तो वृक्षों के बांधो तुम, राखी का मतलब रक्षा है तो वृक्षों के बांधो तुम, वरना जंगल हो जाएंगे कल तक इस धरती से गुम, मूक परिंदों को से लाओ रक्षा के इन धागों से, आंखें तक को दूर भगाओ खग मृग बन के बागों से, ऐसी राखी रचो बंधु और खड़ा हिमालय मुस्काए, गंगोत्री पर बांधो राखी गंगा गदगद हो जाए, संकेतों में बांधो राखी झीलों और तलाओं को, सहलाओ धरती माता के दर्द भरे इन घावों को, तो 14 बरस विपिन में राखी रे बांधते रघुनंदन, कच्चे धागे में बांधा बहनों ने पक्का बंधन। और दादा कुछ पंक्तियां सुनिए, संजय भाई आपका स्नेह आशीष कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब आपस में बांधे राखी, धन कुबेर मुफलिस को बांधे भोली जनता को खाकी, आओ हम सब मिलकर बांधे लोकतंत्र को अब राखी, सैनिक सबसे पहले जाकर सरहद को बांधे राखी, तो विक्रेता क्रेता को बांधे वैद्य हकीम बीमारों को, आओ मिलकर राखी बांधे हम दुर्बल सरकारों को, मुल्ला पंडित मन से बांधे अल्लाह और भगवान को, संविधान को नेता बांधे मंत्री निज ईमान को, संविधान को नेता बांधे मंत्री निज ईमान को, तो निश्चित है राखी रोकेगी माँ बहनों का वो क्रंदन, कच्चे धागे में बांधा बहनों ने पक्का बंधन।
मन में मधु थाल में अक्षत। और मैं समझता हूँ समय में ही मैं अपना काव्य पाठ खत्म कर दूं। चार पंक्तियां भी जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए एक व्यंग लिखने की कोशिश की है। हमारे ब्रज से भाई सुरेंद्र सार्थक जी हैं। सुरेंद्र जी सुनिए, कोरोना COVID-19 को मैंने इसमें लेते हुए मैंने देखा कि मंदिर सब अभी भी बंद पड़े हुए हैं कि मुख मास्क बांध आना जग में तू प्यारे कहना, नहीं तो मुरारी कोरोना तुम्हें सताएगा। कि मुख मास्क बांध आना जग में तू प्यारे कहना, नहीं तो मुरारी कोरोना तुम्हें सताएगा। सिंथेटिक दूध यहाँ शुद्ध नहीं कोई भाव, माखन की ठोर क्रीम बटर तू पाएगा। तो यमुना में अब नीर शुद्ध नहीं जदुवीर, बिस्लेरी कोक से ही काम चल पाएगा। और गोपियों के कानों में, यहाँ भी तीन तीन गोपियां बैठी हुई है, कि गोपियों के कानों में मोबाइल चिपक रहे, बांसुरी की तान कान किस को सुनाएगा, बांसुरी की तान कान किस को सुनाएगा। तो देशवासियों में एकता की लय हो, दुश्मनों में खौफ हो भय हो, फिर से बने विश्व गुरु भारत ये तय हो, और जननी जन्मभूमि माँ भारती तेरी जय हो, माँ भारती तेरी जय हो, माँ भारती तेरी। शुक्रिया, धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। राखी को, राखी के मायने को आपने जहां तक पहुंचाया है, आपने मास्क और कान्हा का जो जोड़ लगाया है, और आपने लोकतंत्र की जो स्वतंत्रता, सब सब आपने इतनी सी मिनटों में बहुत कुछ सुनाया। धन्यवाद सर, आपने तो समय ही बांध दिया जी। और सब सबका बहुत बहुत, आपकी उपस्थित से मुझे बहुत संबल मिला दादा, बहुत बहुत प्रणाम। तो हमारे जो पहले कवि आए थे मैं उनको पुनः आमंत्रित करना चाहती हूँ, अभिषेक अमर जी जो भरतपुर राजस्थान से आते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि उनके बैकग्राउंड का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो गया होगा, और वे देश से, देश के अनेक राष्ट्रीय मंचों से आप काव्य पाठ कर चुके हैं, आप संयोजक भी हैं, आप संचालक भी हैं और साहित्यिक समीक्षक भी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आप प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अभिषेक अमर जी को। अभिषेक जी अभिषेक जी बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हम आप लोग, हम आपको नहीं, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही ना। अभिषेक जी कहीं और चल ले जाइए, जगह बदल लीजिए आप, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरे देश में सब जगह लाइव हो रहा है और आपके पीछे बैकग्राउंड की आवाज आपसे आवाज से ज्यादा है। कृपया कविता जी, मेरा सुझाव है कि अभिषेक जी जगह बदलें, तब जी, तक जी, हम हमारे आगे आगे वाले कवि जी जी। अभिषेक जी आप जब जगह बदलेंगे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अगले कवि कवि को आमंत्रित करती हूँ अपने मंच पर। हमारे बीच कोलकाता से जुड़ी है मृदुला कोठारी जी, मृदु नाम से आप लिखती हैं, और आप विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं में विगत 30 वर्षों से सक्रिय हैं। आप हिंदी राजस्थानी में दोनों भाषाओं में आपने कई काव्य संग्रह और गीत और भक्ति गीत, भजन, चिंतन, लेखन आदि किया है। तो मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ सिटी लाइफ के इस मंच पर। मृदुला कोठारी जी, सबको नमस्ते, नमस्कार। अच्छा, आज देश की माटी को प्रणाम करती हूँ और अपनी सभी बहनों को प्रणाम करती हूँ, सभी लेखकों की कलम धनियों की कलम के ऊपर एक कविता छोटी सी पढ़ रही हूँ पहले कलम पर, क्योंकि माँ सरस्वती के हाथों में कलम ही सौंपती है, और यहाँ तो हमारे उनके माँ के पुत्र भी बैठे हैं। तो कौन कहता है कलम निर्जीव है, कौन कहता है कलम निर्जीव है, चलती है, फिरती है, लिखती है, तभी तो तुम्हारे, मेरे और समस्त विश्व के दिलों को छू लेती है। कौन कहता है कलम निर्जीव है, इसी कलम के बल पर ही हम आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, देश देश से, अपने राजस्थान से, और अपना परिचय मैं देती हूँ शब्दों द्वारा ही। वेद नहीं संवेदना को पढ़ा है, वेद नहीं संवेदना को पढ़ा है, संवेदना नहीं मेरे शब्दों को गढ़ा है।
मानस की मशीन पर छपते हैं मासूम से अक्षर, मेरे सृजन का आकार इसी से ही बड़ा है, मेरे सृजन का आकार इसी से ही बड़ा है। और अब भारत माँ की स्तुति के लिए कुछ लिखा है, वो आपके सामने। भारत माँ के चरणों में नित, भारत माँ के चरणों में नित शत शत वंदन करते हैं, उन्नत भालय हिमालय चोटियों का अभिनंदन करते हैं, उन्नत भालय हिमालय चोटियों का अभिनंदन करते हैं, भारत माँ के चरणों में सिंदूर किरणों से रंगोली निस्बिन करता है सूरज, सिंदूरी किरणों से रंगोली करता है निस दिन सूरज, अमल धवल हिम कण उड़ कर नित लेते हैं माँ की पदरज, अमल धवल हिम कण उड़ कर नित लेते हैं माँ की पदरज, थाल रजत से चांद सितारे, थाल रजत से चांद सितारे टीका चंदन करते हैं, उन्नत भाल हिमाल चोटियों का अभिनंदन करते हैं, भारत माँ के चरणों में नित शत शत वंदन करते हैं, उन्नत भाल हिमाल चोटियों अभिनंदन करती। और एक अब जब भारत पर हिमालय तक चले गए तो वहां तिरंगा फहराने की भी मेरे मन में आ गई, उसको सलाम करती हूँ। है तिरंगा शान अपनी, है तिरंगा आन अपनी, है तिरंगा शान अपनी, है तिरंगा आन अपनी, इस तिरंगे के भारत की ये अमानत, ये तिरंगा रहे सलामत, भारत की ये अमानत मृदुन मन करती है इसको, इससे है पहचान अपनी, मृदुन मन करती है इसको, मृदु इससे है पहचान अपनी, श्वेत रंग शांति फैलाए, सिंदूरी ऊर्जा बढ़ाए, श्वेत रंग शांति फैलाए, सिंदूरी ऊर्जा बढ़ाए, चक्र है सर ताज अपना, रंग हरा मुस्कान अपनी, चक्र है सर ताज अपना, रंग हरा मुस्कान अपनी, है तिरंगा शान अपनी, है तिरंगा आन अपनी। और अब मैं एक राजस्थानी में कारगिल वासियों के लिए, जब कारगिल में शहीदता हुई तो एक छोटा सा गीत सुनाना चाहती हूँ, अगर टाइम है, अभी मैंने नोट कर लिया था छोटा ही। रणवीर बांकुड़ा सेनानी सने सत सत करा प्रणाम, रणवीर बांकुड़ा सेलानी तन सत सत करा प्रणाम, मायड़री छाती की चौड़ी देतीयो दान बलि, देतीयो प्राण बलिदान, कश्मीर केसरी री खातिर कुकू सो बहायो खून, कश्मीर केसरी री खातिर कुकू सो बहायो खून, सिर पर गोली भी यूं झेली जन तिलक लगायो सून, केसरिया खूंटी तान सो गयो भारत मारो लाल,
केसरिया खूटी तान सो गयो भारत मारो लाल रणवीर बांकुड़ा सैलानी के छोड़ा है पर नोड़ी ने कोई छोड़ा मायर बाप नाना सा बालकिया छोड़ा छोड़ा सब घर का ठाट भूला नहीं थारी कहानी थारा चढ़ल लगावा भाल भूला नहीं थारी कहानी थारा चरण लगावा भाल मायड़री छाती की चौड़ी दे दियो प्राण बलिदान होली दिवाली कर छोड़ा सीमा पर रया डटोड़ा होली दिवाली घर छोड़ा सीमा पर रया डटोड़ा आजादी री खातिर वीरा टुकड़ी में रया बटोड़ा इन भारत मारे बेटा ने मैं झुक झुक करा प्रणाम इन भारत मारे बेटा ने मैं झुक झुक करा प्रणाम मायड़ी छाती की चौड़ी दे दियो प्राण बलिदान रणवीर बांकुड़ा सैलानी थने सत सत करा प्रणाम थने सत सत करा प्रणाम। बहुत खूब मृदुला जी ने आपने तो बहुत ही सुंदर समा बांधी है और वीरों को जाबाजों को रणवीरों को रणबांकुरों को सलाम भेजा है और मैं महसूस कर रही हूँ कि काव्य रसिक जो है श्रोतागण और दर्शकगण उनकी उपस्थिति मैं महसूस कर रही हूँ। हालांकि यहाँ पे देखना संभव नहीं है मगर मैं जानती हूँ कि यह जो शाम सजी है यह बहुत ही श्रोताओं और दर्शकों से भरपूर और समृद्ध है। मैं हमारे बीच जो अगले व्यंग्यकार दी भरतपुर से पधारे हैं सुरेंद्र सार्थक जी, एक ख्यातनाम व्यंग्यकार हैं और आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य की संप्रति में हैं और वर्तमान में आप राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की मुख्य पत्रिका ब्रज शतदल का भी सह संपादक कर रहे हैं तथा श्री हिंदी पुस्तकालय समिति दिग्दक का कार्यक्रम संयोजक भी हैं। आप सन 1995 से हिंदी कवि सम्मेलनों में आपकी सहभागिता रही है और अब अधिक लंबा परिचय पढ़ने के बजाय मैं चाहूंगी कि हम आप ही को सुने। तो सुरेंद्र सार्थक जी डी भरतपुर से व्यंग्यकार, आपका मंच पर स्वागत है। सभी को नमस्कार करता हूं। चार पंक्तियों से बात शुरू करता हूं। शहीदों का जला दीपक कहीं ना मंद हो जाए, शहीदों का जला दीपक कहीं ना मंद हो जाए, उजाला ज्ञान का फैले यहां आनंद हो जाए, अगर भगवान मिल जाएं कहें वरदान तुम मांगो, प्रभु इस देश का बासी विवेकानंद हो जाए, प्रभु इस देश का बासी विवेकानंद हो जाए। और मैं आजादी का पर्व है तो आजादी की एक महानायिका महारानी झांसी पर एक कविता प्रस्तुत करता हूं। कितनी बार पढ़ी है मैंने गाथा झांसी रानी की, कितनी बार पढ़ी है मैंने गाथा झांसी रानी की, कितनी बार रुला देती हैं कुछ यादें महारानी की, कितनी बार रुला देती हैं कुछ यादें महारानी की, कविता ने भी मुझे बिठाया उस देवी के चरणों में और पढ़ा है खूब सुभद्रा के ऊंचे उद्धरणों में, जिस नाले के पास क्रांति का घोड़ा आकर खड़ा हुआ और किले की प्राचीरों में जिसका बचपन बड़ा हुआ, जिस जिस पत्थर पर रानी के पावन चरण पड़े होंगे उनकी परतों को देखो कितने इतिहास जड़े होंगे, जिस जिस पत्थर पर रानी के पावन चरण पड़े होंगे उनकी परतों को देखो कितने इतिहास जड़े होंगे, मैंने उन सब को पूजा है अपनी आंखों के जल से, मैंने उन सबको पूजा है अपनी आंखों के जल से, वे काले पत्थर भी लगते धवल हिमालय उज्जवल से, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं अब तक समझ नहीं पाया और प्रकृति का नियम हमारी बिल्कुल समझ नहीं आया,
श्री राम को रास्ता देने सागर जब झुक सकता था, श्री राम को रास्ता देने सागर जब झुक सकता था और पार्थ के लिए सूर्य जब दिन में ही छुप सकता था, उस दिन भी तो नाले तेरे पास भवानी खड़ी हुई, रास्ता मांग रही थी तेरे दर पर आकर पड़ी हुई। उस दिन भी तो नाले तेरे पास भवानी खड़ी हुई, रास्ता मांग रही थी तेरे दर पर आकर पड़ी हुई, पल दो पल को तूने अपना पानी सोख लिया होता, पल दो पल को तूने अपना पानी सोख लिया होता और कहीं रानी की खातिर दुश्मन रोक लिया होता तो तू शायद गंगा से भी ज्यादा बड़ा बना होता, तो तू शायद गंगा से भी ज्यादा बड़ा बना होता और गुलामी अधिक दिनों तक अपना देश नहीं ढोता। चलिए साहब, नाला कुछ नहीं कर पाया तो संसार में दो घोड़ों के सामने ये परिस्थितियां आई, एक घोड़ा था महाराणा प्रताप का और दूसरा घोड़ा था महारानी झांसी का। बच्चा बच्चा जानता है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, लेकिन शायद ही कोई बच्चा जानता हो कि महारानी झांसी के घोड़े का नाम क्या था, क्योंकि वो नहीं कर पाया जो चेतक कर गया। एक कल्पना मैंने यहाँ ये की, जिस तरह हम मनुष्यों में इष्ट देव होते हैं, हम कवियों की माँ वाणी अधिष्ठात्री देवी होती हैं, पहलवानी करने जाता है तो बजरंग बली होते हैं, अगर जानवरों में कोई इष्ट देव होता होगा तो वो चेतक होता होगा, और उस दिन अगर रानी झांसी के घोड़े ने चेतक को याद भी कर लिया होता तो मेरा दावा है वो नाले के पार उतर गया। कि उस दिन घोड़े ने थोड़ी सी हिम्मत दिखला दी होती, उस दिन घोड़े ने थोड़ी सी हिम्मत दिखला दी होती, लेकर नाम कहीं चेतक का एक छलांग भरी होती, उस दिन घोड़े ने थोड़े से डर को त्याग दिया होता, सैनिक बनकर आजादी के रण में भाग लिया होता, किसी तरह बस एक बार रानी को पार लगा देता तो तू भी चेतक समान दुनिया में नाम कमा लेता, किसी तरह बस एक बार रानी को पार लगा देता तो तू भी चेतक समान दुनिया में नाम कमा लेता। और कविता का अंतिम बंद उन अंग्रेजों के लिए सौंपता हूं जो बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे शिष्टाचारी कोई कौम है तो वो गौरों की कौम है, ऐसा वो कहते हैं, हम नहीं मानते। 23 वर्ष इंग्लिश का लेक्चरर रहा, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ता पढ़ाता रहा, एक फ्रेज अंग्रेजों ने इजाद किया, हमने नहीं बनाया, चाइल्ड कैरियिंग मदर। छोटे थे तो केवल इतनी बात समझ में आती थी, बच्चा ले जाती हुई माँ, बड़े हुए तो पता चला कि फ्रेज नहीं है, एक भावार्थ है। चाइल्ड कैरियिंग मदर दुनिया की सारी सुविधाओं की हकदार होती है। आप किसी मरीज को सुविधाएं मत दो, किसी विकलांग को सुविधाएं मत दो, लेकिन चाइल्ड कैरियिंग मदर दुनिया की सब सुविधाओं की हकदार है। तो फिर रानी लक्ष्मीबाई से बड़ी चाइल्ड कैरियिंग मदर दुनिया में कौन है? इस अवसर पर एक शिकायत गोरों से भी है मेरी, इस अवसर पर एक शिकायत गोरों से भी है मेरी, शिष्टाचारों की दुनिया में तुम लगवाते हो फेरी, बच्चा गोद लिए माता जो अगर कहीं बस में जाती, कितनी भीड़ भले हो बस में उसे जगह पर मिल जाती, उसका बेटा समर भूमि में उसकी पीठ बंधा रहता, रात रात भर भूखा प्यासा चिपका और सधा रहता, उससे बड़ी कौन माँ होगी बच्चा ले जाने वाली, उससे बड़ी कौन माँ होगी बच्चा ले जाने वाली, कैसे उस पर वार किया, कैसे तलवार चला डाली, शायद उस दिन बेशर्मी की सारी हदें तोड़ बैठे और निहत्थे माँ बेटे पर अपना हाथ छोड़ बैठे, शायद उस दिन बेशर्मी की सारी हदें तोड़ बैठे और निहत्थे माँ बेटे पर अपना हाथ छोड़ बैठे, उस दिन क्रूर
काल के हाथों वह महारानी चली गई, आजादी की ज्योति जलाकर ज्योति जगत से चली गई, ज्योति जगत से चली गई, ज्योति जगत से चली गई। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत खूब आपने जो रचना यहाँ पे पढ़ी है उसका कोई सानी नहीं है। आपने बहुत सारे नाम भी इसमें विभूतियों का नाम भी गिन लिए और एक कहानी सी रच दी आपने कविता के रूप में। बहुत खूब। मैं समझ रही हूँ कि अगर ये सभागार होता तो अभी तालियों से गूंज गया होता, पर हम ऑनलाइन के समय में हैं और हम अपने अपने कमरे में कैद हैं, तो मैं सुन पा रही हूँ उन काल्पनिक तालियों को। मैंने तो उसको रोते हुए पढ़ा है, मैंने तो लोगों को रोते हुए भी देखा जी, और तालियों से गूंजते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी खो गए थे इसी में। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में अगले जो कवि हैं वो कोटा की धरती से आते हैं, और संजय शुक्ला जी आपका नाम है। उस स्वर को आपने जो आवाज दी, जो देश भर में सुनाई दी, और 2006 में देश के महानगर मुंबई के एक बड़े मंच जनता की पुकार से काफी पाठ किया, जो कि वीर रस के कवि के लिए एक सौभाग्य की बात है। राजस्थान में कोटा स्थित DCM श्रीराम लिमिटेड ज्वाइंट में आप ज्वाइंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, और आपकी जो कुछ कविताएं जो कि मंच पर मांग कर सुनी जाती है, गुजारिश रिक्वेस्ट कर करके सुनी जाती है, राम सेतु, केशर क्यारी, महाराणा प्रताप, आजादी बचाओ आदि, तो आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं संजय शुक्ला जी कविवर? आइए, आपका मंच पर आमंत्रित है। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं संजय शुक्ला कोटा सिटी लाइव चैनल की तरफ से आपको सभी को अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, इस देश को आजादी मिली है हमारे रणबांकुरों के शहीदों की शहादत से। आजादी की क्या कीमत है, मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें लगे कि वाकई में आजादी कितनी अनमोल है, इसे हमें बचाना चाहिए। कि मोल क्या समझेगा वो जिसने चुकाया ही नहीं, मोल क्या समझेगा वो जिसने चुकाया ही नहीं, जड़ जाने वो भला क्या जिसने उठाया ही नहीं, आजादी इतनी महंगी है वो क्या जाने भला, अरे खून इसकी चाह में जिसने बहाया ही नहीं, खून इसकी चाह में जिसने बहाया ही नहीं। बांध कर कफन अपने घर से चले, बांध कर कफन अपने घर से चले, बन गए उनके पीछे कई काफिले, हिंद की है ऊंची इमारत खड़ी, इसकी नींवों में शेखर सुभाष मिले, तब जाके कहीं इस मुल्क को आजादी हुई। कि बांध कफन घर से ही निकले जाकी देने कुर्बानी, बांध कफन घर से ही निकले जाकी देने कुर्बानी, हमने आजादी की लड़ाई को नहीं देखा, हमने कारगिल के युद्ध को देखा है। 732 सैनिकों की शहादत को प्रणाम करता हूँ। ये बांध कफन घर से ही निकले जाकी देने कुर्बानी, मर गए मिट गए देश की खातिर, हार कभी भी ना मानी, इतिहास के पन्नों ने तो लिखी है नहीं कहानी, अरे जब भी सर मांगे सरहद ने आगे आए हिंदुस्तानी, जब भी सर मांगे सरहद ने आगे आए हिंदुस्तानी। आज 15 अगस्त का दिन जब तिरंगा लहराता है तो लोगों के दिलों में जोश भर जाता है, तब मैं चार पंक्तियां तिरंगे को समर्पित करना चाहता हूं। और ये तिरंगा हमारे लिए क्या है कि आने बान शान और सैनिकों का बलिदान की ही पहचान, अरे देश में तिरंगा है, ये आन बान शान और सैनिकों का बलिदान की ही पहचान, अरे देश में तिरंगा है, कि झूम झूम लहराएगा सब में भर जाए जन जन की अरे जान, ये तिरंगा है, कि खेतों की हरियाली बागों की खुशहाली भेंट खाली हान की पहचान, ये तिरंगा है, एकता के इसमें रंग चल सारे मिलकर संग, हर भारतवासी की जुबान ये तिरंगा है, हर भारतवासी की जुबान ये तिरंगा है। और जिसको तिरंगे को सलाम करने के लिए रणबांकुरे जब अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं, तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं जो बाड़मेर बीकानेर की सरहद पर सिलचर की सरहद पर खड़े हुए हैं, तब मैं चार पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं। तब कहता हूं कि सीमाओं पे तुम तैनात सर दिगर में दिन और रात, सारे देश को तो यार हुकुम पे अभिमान है, कि सीमाओं पे तुम तैनात सर दिगर में दिन और रात, सारे देश को यार हुकुम पे अभिमान है, फर्ज की वर्दी को तुमने कर्जमान कर पहना, मातृभूमि का तुम्हारे दिल में सम्मान है, कि देश का तो हर हाथ देखो है तुम्हारे साथ, तेरे सौर साहस पे सबको गुमान है, और सदिया चाहे गुजर जाए जाते सबको आए, तेरी शहादत पे यारो झुकता हिंदुस्तान है, तेरी शहादत पे यारो झुकता हिंदुस्तान है। और लोग कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तब मैं कहना चाहता हूं कि मांग रहा कश्मीर अब्बा की जैसे जागीर, एक बार दिखला दो ताकत हिंदुस्तान की, कि मांग रहा कश्मीर अब्बा की जैसे जागीर, एक बार दिखला दो ताकत हिंदुस्तान की,
कि मतलब बोलो स्वामी मानो मंदिर को ये गुमान रख नहीं तो मिट्टी यारो देखो पर निधान की कि करे कोई अपमान सहता रहे हिंदुस्तान बात नहीं देखो यारो ये है अभिमान की कि गूंज उठे सिंह नादो वक्त की है ये आवाज मिट्टी में मिला के रखो स्वामी पाकिस्तान की और हमने जब जब भी आक्रमण किए पड़ोसी मुल्कों का आना जवाब दिया है तब मैं कहना चाहता हूँ आपको लगे कि वाकई में हिंदुस्तान के अंदर की जो हमारी सरहदें हैं वो तब कहने की कोशिश करता हूँ कि मिल जाए कश्मीर ऐसी नहीं तकदीर ऐसे कैसे बाबू आप मन में सजाते हैं कि मिल जाए कश्मीर ऐसी नहीं तकदीर ऐसे कैसे बाबू आप मन में सजाते हैं न मिलेगी धूल वाले मुट्ठी भर आपको घाटी में चले हम गोलियां बरसाते हैं कि मत भूल ये आप अपनी औकात को प्यार की भाषा में हम समझाते हैं और हाथ जो उठेंगे यार भारती के तीन देवियां आज हमारे सामने उपस्थित हैं हमारे देश की वीरांगनाओं के सम्मान में मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको लगे कि वाकई में क्या कहती है जब शहीदों के शव जब गांव में आते हैं तो वीरांगनाएं क्या कहती हैं कि सुनो मेरे प्राणनाथ नहीं हुए हम अनाथ सारा देश भारत तो साथ में हमारे है कि सुनो मेरे प्राणनाथ नहीं हुए हम अनाथ सारा भारत देश तो साथ में हमारे है और कीर्ति कुमारी देखो मैं चारों ओर वीरता के रण में है टांगे जो सितारे हैं इंच इंच में कटे हैं इंच इंच में कटे हैं पग पीछे नहीं हटे हैं युद्ध तो बता रहे मित्र तो सारे हैं कि इंच इंच में कटे हैं पग पीछे नहीं हटे बता रहे मुझे तो मित्र तो सारे हैं और सात जन्मों तो मैं बनूंगी तो सुहागन मैंने भी नहीं कोई आभूषण उतारे हैं तब जाकर के कहीं इस मुल्क में आजादी आई होगी मैं आजादी के लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि आजादी कितनी महंगी है तब कहता हूँ कि आजादी का जश्न मनाओ मत भूलो कुर्बानी को आजादी का जश्न मनाओ मत भूलो कुर्बानी को शाही नहीं लहू से लिखी पढ़ लो अमर कहानी को आजादी की खातिर यारो कितनों ने दी कुर्बानी आजादी की खातिर यारो कितनों ने दी कुर्बानी हंसते हंसते सूढ़ी चढ़ गए हार कभी भी ना मानी काला पानी हंसकर पी गए सैन उलर में निकली जान दफन किया न्यू में खुद को ऊपर रखा हिंदुस्तान भरत वंश के हम वंशज हैं भरत वंश के हम वंशज हैं देखो भूल नहीं जाना भरत वंश के हम वंशज हैं देखो भूल नहीं जाना हिंदुस्तानी शेरों से देखो तुम्हें मत टकराना हम शेरों के बच्चों के संग बचपन से ही खेले हैं हम शेरों के बच्चों के संग बचपन से ही खेले हैं अभिमन्यु ने और अकेले चक्रव्यूह भी खेले हैं अपनी पर हम आ जाए तो हिमिक भी रास्ता छोड़े अपनी पर हम आ जाए तो हिमिक भी रास्ता छोड़े आंधी बनकर टूट पड़ेंगे नदियों के रुखों पर जा पढ़ लो तुम इतिहास हमारा खाकर घासी खाकर धोती घास फूस की खाकर रोटी घास फूस की हमने हार नहीं मानी अकबर सेना कांप गई थी उसे हुई थी हैरानी आन बान और शान की खातिर आन बान व शान की खातिर पीछे कदम नहीं हटते चाहे हो भीषण संग्राम रण में कदम रहे डरते तब जाकर के हम कहीं युद्ध करते हैं मित्रों और इस देश में आजादी कैसे आई होगी तब मैं आजादी की कीमत के लिए कहता हूँ कि आजादी क्या है समय की अपनी सीमा है बड़ी कविताएं सुना नहीं सकते मैं बहुत कम पंक्तियों में अपनी बात समर्थित करता हूँ कि कितने सरसूली चढ़े यहाँ कितने सरसूली चढ़े यहाँ कितनों ने दी थी कुर्बानी कितने ही प्यास लिए मर गए पर मिला नहीं उनको पानी कितने सर से सिंदूर मिटे कितनों की राखी टूट गई बूढ़े हाथों की लाठी थी जो भरी जवानी रूठ गई कितनी ही सेज सिसकती थी कितनों की रातें थी कारी कितनी ही सेज सिसकती थी कितनों की रातें थी कारी कितने आंगन सूने रह गए ना गूंजी उनमें किलकारी सब कुछ तारों पर लगा दिया जब बची न कोई पाई थी तब ये आजादी आई थी तब ये आजादी आई थी तब ये आजादी आई थी कि आजादी की थाम मसाले चले कई दीवाने थे आजादी की थाम मसाले चले कई दीवाने थे
लाल बालवा पाल सरी के बिस्मिल से परवाने थे, भारत माँ की तस्वीर बस आंखों में तो रहती थी, आजादी कब आएगी हर सांस यही बस कहती थी, हर पल यही सोचते थे क्या कर हम यहाँ गुजर जाएं, कतरा कतरा चाहे तन का वतन की खातिर काम आए, अरे हिंदू मुस्लिम सिखों ने अरे मिलकर लड़ी लड़ाई थी, तब ये आजादी आई थी। तो और अंतिम चार पंक्तियां पढ़ करके वाणी को विराम देता हूँ कि आजादी का ख्वाब लिए सर कफन बांध घर से निकले, आजादी का ख्वाब लिए सर कफन बांध घर से निकले, करी बगावत अंग्रेजों से अपने उठ नहीं सिले, अंग्रेजों ने भी उनको रोक नहीं पाई, भारत माता की जय बोली बोली सीने पर खाई, आजादी हम लेके रहेंगे अब हमने लड़कारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हिंदुस्तान हमारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हिंदुस्तान हमारा है। नमस्कार। जोश की जो आपने जो फिजाओं में तरंग फैलाई है, मैं आपके लिए दो पंक्तियां पढ़ती मगर मैं सोचती हूँ कि इस समय को जरा समय बचा लूं और मैं अपने अगले कवि को अभिषेक जी को बुला लूं, क्योंकि उनका जो समय है बहुत जाया हो गया है और हम सिर्फ एक रचना सुनेंगे चाहे वो 3 मिनट की ही हो। अभिषेक जी, क्योंकि हमारे दो बहुत ही वरिष्ठ और वयोवृद्ध कवि हमारे बीच में बैठे और हम उनको सुनना चाहते ही हैं, तो अभिषेक जी आपका स्वागत है और हम जल्दी से आपकी कविता सुनना चाहेंगे। आपका माइक मुझे लगता है कि आज अभिषेक जी का बहुत मतलब बैड डे है, आई एम सो सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ आपसे अभिषेक जी, कुछ नहीं कर सकते, आपका माइक भी अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो आपके जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो बहुत लो बता रही है, मेरे यहाँ जो कैप्शन आया है, तो मैं समय को का ध्यान रखते हुए अपने बीच अगली जो कवि बैठे हैं मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, और आप सभी जानते हैं बहुत ही वयोवृद्ध और अभी अनुभवी श्रेणीदान चरण जी, श्रद्धेय कविवर, आप उदयपुर से हैं और हास्य व्यंग के हस्ताक्षर हैं, आप मंच की कविताएं रचते हैं और हिंदुस्तान के आधे शहरों में आप कविता पाठ कर चुके हैं, और इन दिनों ऑनलाइन में इन दिनों जो कोरोना काल में जब लॉकडाउन है तो आपको मंचों में जाने की हम किसी को भी जाने का नहीं अनुभव हो रहा है, नहीं जा पा रहे हैं, बड़ी असुविधा रही है, तो आज सुबह जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मुझे 1.5 लाख का नुकसान हो गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं जो महावीर जयंती थी और महाराणा प्रताप जयंती थी और जैनियों का जो कार्यक्रम चल रहा है इन दिनों मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे काफी कुछ नुकसान हो गया, और उनकी बातों से लगा कि आप हास्य व्यंग के बहुत बड़े कवि हैं और हम अधिक देर आपको नहीं रोकेंगे श्रोताओं उनको सुनने से, इसलिए मैं आमंत्रित करती हूँ वयोवृद्ध श्रद्धेय परम श्रद्धेय श्रेणीदान चरण जी को मंच पर, आप अपनी कविताएं सुनाएं हमें, आपका माइक अनम्यूट है। मैं सिटी लाइव से अनुरोध करूंगी कि उनका माइक अनम्यूट कर दें। अमिता जी, इनके इन्हें वयोवृद्ध मत बोलिए, कभी कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी हमेशा जवान रहता है। मैं जब उनसे सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि अरे मैं उनके लिए सम्मान के लिए कौन सा विशेषण इस्तेमाल करूं, लेकिन वो वाकई वो बहुत यंग है और बहुत अच्छे से बात की थी उन्होंने, पर मैं अभी इंतजार कर रही हूँ कि इनका शायद माइक अनम्यूट नहीं हुआ है। श्रेणीदान चरण जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, मंच पे आपको आमंत्रित करती हूँ मैं। किशोर जी आप संभालिए, क्या करें। करना क्या है, दादा को बुलाओ, ओमपाल सिंह जी, आदरणीय ओमपाल सिंह जी से अनुरोध करते हैं, दादा आप शुरू करें, बीच में उनका चालू होगा तब दादा को लास्ट में अध्यक्ष और करवा लेंगे। जी, ये सही रहेगा। तो आदरणीय ओमपाल सिंह निरजा जी जो हमारे बीच मौजूद हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आप एक एक्स एमपी हैं और
जैसा श्रीनिधान चरण जी ने बताया था कि आप 25 साल पहले भी एक बहुत बड़ा नाम थे, जब हमारे बीच ये कोई तकनीक नहीं था, ना फेसबुक था ना व्हाट्सएप था, उस समय भी आप देश के एक ख्यातनाम कवि थे और आज भी आप एक बहुत बड़ा नाम है। आपका मैं मंच पे आदर सत्कार के साथ सम्मान के साथ बुलाती हूँ। आइए और हमें अपनी कुछ रचनाओं से अनुग्रहित करें, आपको आमंत्रण है। आइए सर। सबसे पहले आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले आदरणीय श्रीनिधान चरण जी को भी प्रणाम करता हूँ, तब तक वो आ जाएंगे। किशोर भाई, संजय शुक्ला जी, मेरा सुरेंद्र सार्थक, अन्नु, मृदु जी और वो हमारी छोटी हमारी सहेली बेटी, ये सब लोगों को मेरा आशीर्वाद है। जब हमारा सुरेंद्र सार्थक मंच पर आया था 95 में, मुझे वो आपने गणना बता दी, तो मैं लगभग 15-16 साल कविता पढ़ चुका था। और जिस पंक्ति का उल्लेख किया हमारे किशोर पारिक ने, 1978 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, अचानक सहारनपुर के कवि सम्मेलन में महावीर जयंती पर चार पंक्ति लिख गई थी। उन चार पंक्तियों को ही पढ़ूंगा, और जो चार पंक्ति वो है तो 8 बंद की कविता, बहुत समय लगता है, लेकिन चार पंक्ति जो अभी 8 अगस्त को लिखी गई, संजय वो भी पढ़ूंगा, सुरेंद्र देखना मेरा इरादा क्या है, और वो चार पंक्तियां क्या थी वो भी पढ़ूंगा। तो पहले भगवान राम का मामला से ही पढ़े देता हूँ। स्वागत दादा, उस दिन मैंने पढ़ा, उस दिन मैंने पढ़ा, अचानक मेरा माइक छीन लिया था, तो ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने कहा कुछ ऐसा लिख दे आज माँ भवानी की कृपा से जो, तो किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि आंदोलन शुरू ही नहीं हुआ था, 1983 में शुरू हुआ। सुनना दोस्तों बिना भूमिका के, अब कि सदियों से भी हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रश्न उठेगा मुझे कैसे मालूम था, मंदिर का सूत्रपात करने वाले व्यक्ति का नाम था पंडित बैकुंठ लाल शर्मा, जो 3 बार पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के मेंबर रहे। उन्होंने सूत्रपात किया था 1949 से। दोस्तों वो मुझे अपना बेटा मानते थे, वो सब बताते थे। तो सुने पंक्तियां, मैं ये 8, इसमें 8 बंद है लेकिन वो नहीं पढ़ूंगा। 4 पंक्तियां जो 8 अगस्त को पढ़ी मैंने, बहुत सरलता से बिना किसी का नाम लिए, कि सौगंध राम की खाई थी जो पूर्ण करेंगे राम। सुनो सुरेंद्र, सुनना, आज तुम लोगों ने इतनी बढ़िया कविताएं पढ़ी हैं कि मैं भाव विभोर हो गया हूँ, बहुत तालियां बजाएंगे मैंने। सुनना दोस्तों, सौगंध राम अपना कुछ नहीं, सौगंध राम की खाई थी जो पूर्ण करेंगे राम। सुनो, होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम। सुनो, होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम। सुनो, अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम। सुनो, और प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम। सुनो, प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम। सुनो, ये पंक्ति सुनना अगली वाली, के कर सपना साकार अवध का दीघ निवासी, कर सपना साकार अवध का किशोर, कर सपना साकार अवध का मथुरा काशी जाएंगे, कर सपना साकार अवध का मथुरा काशी जाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, जिन लोगों ने भी जैसा लिखा जैसे लिखा उनका प्रणाम। और अब क्योंकि 15 अगस्त का मामला है, मेरे अलग प्रकार के तरीके होते, मेरे अलग तेवर होते किशोर, इसलिए मैं बंद कर नहीं लिखता। आप भवानी की वंदना के साथ कुछ मिनट बचे हैं मेरे पास, और मुझे टोक देना कविता बेटा, जान ये मत चिंता करना, मैं अध्यक्ष हूँ या मेरी उम्र 70 साल से ज्यादा है, ऐसी चिंता की जरूरत नहीं है। सुनना पंक्तियां, कि मात सिंह वाहिनी, 15 अगस्त पे भी इससे ज्यादा बढ़िया क्या पढ़ूंगा, कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे,
दान रे तू बुद्धि अविवेक सावधान रहे, भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े। तुम्हारे मंच पर कविता जितने लोग बैठे हैं सब मनीषी है, किशोर भाई सुनना। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को भैया ज्ञान रे। और ज्ञान रे तू गीत लिखे लेखे विकास के पे, वक्त पड़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। क्यों कि तेरा हर रूप मा अनूप मन भवन है, कि तू प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है बिना श्रेष्ठ द्रोहियों का, इसलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गरा पद्म चक्र शूल और शंख पुंग क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए बिना एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए बिना एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और ये पंक्तियां मेरे मित्रों ने भी आज तक नहीं सुनी होंगी जो मैं पढ़ता हूँ। पढ़ता तो बहुत दिन से हूँ लेकिन कई बार मंच पर नंबर ही नहीं आता, अब क्या करूँ। अब तो जानते हो तन 88 तक ही इतना लिख गया था कि एक बार 79 में 4.5 घंटे में अकेला पढ़ता, राजनंदगांव में पढ़ता रहा, क्योंकि अकेला ही था, 5 लोग आए नहीं थे। इसलिए अपनी सीमा नहीं, लेकिन 9 मिनट में समाप्त करना है, 10 मिनट तो हो सकते हैं, 11 नहीं होंगे, 10.25 भी नहीं होंगे। सारा कर देना, मैं देख रहा हूँ संजय तुम दोनों को, मुझे उंगली उठा देना, मैं बंद हो जाऊंगा ये भी, ठीक है। मेरे सामने ही बैठे हो सार्थक और ये अनु बेटी बैठी है हमारी, सुने दोस्तों मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, कान खुजा रहा है हमारा सार्थक, कान में कुछ लगा रहा है। पंक्ति सुनना, सार्थक नाम सार्थक कविता, तुमने कमाल कर दिया आज दोस्तों, आकार कर दिया 15 अगस्त के सपने को, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। आजादी लाने के लिए त्याग बलिदान किए, फ्री में आजादी नहीं मिली। ये बच्चे ठीक कह रहे थे हमारे, ये बच्चे ही हैं, मेरे बेटे हैं। 3,30,00,000 लोग बलिदान हुए थे, ध्यान रखना, केवल अंग्रेजी कालखंड में 3,30,00,000, जिसको कोटि कहते हैं हम ब्रजभाषी, करोड़ को कोटि कहते हैं, 20 को कोटि नहीं कहते हम। सुने दोस्तों, आजादी लाने के लिए त्याग बलिदान किए, शहीदों का रक्त भी चढ़ाया गया अर्घ में। आजादी लाने के लिए त्याग बलिदान किए, शहीदों का रक्त भी चढ़ाया गया अर्घ में। जिसने अनेक बार भारत की लाज रखी, लगता है जंग लग गया है उसी खड़ग में। आम हुई लूट मार रोज ही बलात्कार, मैं किसी प्रदेश पर मत नहीं करता, किसी दल पर नहीं करता। आम हुई लूट मार रोज ही बलात्कार, सारा देश बांट दिया जाति और वर्ग में। नंगे भिख मंगे और लफंगे बार बार दंगे, नंगे भिख मंगे और लफंगे बार बार दंगे, देख देख रोते होंगे गांधी जी भी स्वर्ग में। नंगे भिख मंगे और लफंगे बार बार दंगे, देख देख रोते होंगे गांधी जी भी स्वर्ग में। और एक 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता, हमारी कविता कहेगी और ये बेटी कहेंगी हमारी कि 4 पंक्ति क्यों कहते हैं, पढ़ते तो घनाक्षरी है, मैं घनाक्षरी की परिभाषा आज तक नहीं जानता, इसलिए मैं 4 पंक्ति कहता हूँ। सन 74 से पढ़ने लगा था ये चीजें, कविता 71 से पढ़ता था। मेरा सौभाग्य भी है गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पहला कवि सम्मेलन पढ़ा 1971 में, और 78 में महावीर जयंती पर वो 4 पंक्तियां राम जी वाली लिखी गई। दोस्तों ये मेरा सौभाग्य है, सुना, मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। 3,30,00,000 लोग बलिदान हुए, 3,30,00,000, 3,30,00,000 लोग बलिदान हुए। जब जाके छुआ आजादी के आसमान को, बिना खड़ग बिना ढाल नहीं, 3,30,00,000 लोग बलिदान हुए। जब जाके छुआ आजादी के आसमान को, और इज्जत बचाने हेतु जौहर किए गए हैं। आप तो राजस्थानी बैठे हैं, आपसे ज्यादा कौन झेला है और कौन जानता है दोस्तों, वहां तो कणकण में बलिदान का रक्त वहां पर व्याप्त है। वहां की मिट्टी जब माथे से लग जाती है तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हो जाता है, इसलिए पढ़ रहा हूं मैं आज इस पर 3 श्रीलाए पर दोस्तों। के आज 3,30,00,000 लोग बलिदान हुए, जब जाके छुआ आजादी के आसमान को, इज्जत बचाने हेतु जौहर किए गए है। कैसे भूल जाए पन्ना माँ के बलिदान को, कैसे भूल जाए पन्ना माँ के बलिदान को। अभियान अब्दुल कलाम का भी जारी रहे, अभियान अब्दुल कलाम का भी जारी रहे। घर घर लाना चाहते हो अंशुमान को,
तो जाग जाग नौजवान मुट्ठी भीच सी नातान गुजरात बना डाल पूरे हिंदुस्तान को। जाग जाग नौजवान तरीका है मेरा, जाग जाग नौजवान मुट्ठी भीच सी नातान गुजरात बना डाल पूरे हिंदुस्तान को। और समय हो तो केवल 8 पंक्तियां संपुट में पढ़ रहा हूँ दोस्तों। भगवान राम पे तो बहुत पढ़ता हूँ लेकिन आज 15 अगस्त तो मैं कुछ अपने मन से पढ़ना चाहता हूँ, 8 पंक्तियों में बात कहना चाहता हूँ अपनी। सुने दोस्तों पहली 4 पंक्तियां कि नौजवानों बिनती है भेदभाव मिटा कर देशवासियों की एक जात बना दीजिए। नौजवानों बिनती है भेदभाव मिटा कर देशवासियों की एक जात बना दीजिए। और गंगा गऊ गांव और गरीबों का हो आरक्षण, किस किस का? गंगा गऊ गांव और गरीबों का हो आरक्षण, भागे भूख लाचारी वो बात बना दीजिए। चाहते हो घर घर का विकास आप यदि, शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, बहुत घरों का हो भी गया है। चाहते हो घर घर का विकास आप यदि, बेईमान हारे वो हालात बना दीजिए। रोकने हैं दंगे घुसपैठ विस्फोटों को, तो तीनों चीज याद रखना, रोकने हैं दंगे घुसपैठ विस्फोटों को तो देश एक बार गुजरात बना दीजिए। रोकने हैं दंगे घुसपैठ, इशारा ही कर रहा हूँ दोस्तों। और ये 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, यहाँ शीश का मतलब है अहंकार अभिमान, माँ का मतलब है जननी और जन्मभूमि। याद रखना, बस समझ में आ जाएगी। जो लोग कहते हैं हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ लिखा ही नहीं है, हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरी पंक्ति सुन ले, गाने लगोगे। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झोंका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झोंका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, टकराते हैं बहुत लोगों के सांसद ये कुछ तो हमारे प्रदेश से चुने गए, क्षेत्र बताऊंगा तो नाम पता चल जाएगा आपको। कि धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। और प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। और संपुट की पंक्तियां, मेरे बेटे ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, हमारे किशोर ने, देश का नौजवान विवेकानंद हो जाए। मैं, मुझे ध्यान है वो, मैं भूला नहीं हूँ उस पंक्ति को, किसने कहा और क्या कहा, बहुत ढंग से सुना है मैंने। जब तुम पढ़ रहे थे ना तो मुझे घोड़े की टाप याद आ रही थी, ऐसा नहीं है। और जब संजय पढ़ रहा था, ये बेटियां पढ़ रही थी मृदुला जी की, इन सबकी मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ, समय नहीं है दोस्तों, इसलिए संपुट पढ़ रहा हूँ अपने पर लगाम लगाती हूँ, क्योंकि दो कभी शेष है, एक का तो पिछवाड़ा नहीं बदला अभी। कई बार कहा हमारी बेटी ने कि बैकग्राउंड बदल ले, अरे बैकग्राउंड तो जीवन तो ही बदलता ही नहीं है, जिसका बैकग्राउंड बदल गया धर्म छोड़ भाग गया, वो रहा कहाँ हमारा अपना, क्यों भाई? बैकग्राउंड भी बदल लिया था उन्होंने, इसलिए बैकग्राउंड मत बदलवाओ, ध्यान रखना। हाँ, बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं, नहे देश के सगे रहे हो बतला रहा अतीत है। जिन्होंने बैकग्राउंड बदल लिया वो देश के कभी सगे ही नहीं रहे, उन्होंने अपना सब कुछ बदल लिया, इसलिए उससे कहे कि वो अपना कुछ जगह बदल ले, बैकग्राउंड न बदले। मैं हंसा भी लेता हूँ, सुनना दोस्तों, 4 पंक्तियां पढ़ लो संकुट की। सुने के बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था, समापन का समय और अद्वैत पर बोलना था, 3 मिनट मिले थे, अब एक ही बात के बोला 12 मिनट तक ताली बज गई तो क्या करें। सुने के बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। और सन्यासी कितनी उम्र का था? 23 वर्ष का। के बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। और दोस्तों भारतीय मेधा, हमारी बुद्धि हमारी सोच, भारतीय मेधा, धर्म संस्कृति जाना जग,
भारतीय मेधा धर्म संस्कृत जाना जग कुप्रचार गोरों का तभी से मंद। भारतीय मेधा धर्म संस्कृत जाना जग कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल, कितना लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल, वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया, वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया हम सबको, और आपने जो अध्यक्षता की भूमिका निभाई वो वाकई गरिमा में ही रही। मैं समय का जल्दी से सदुपयोग करते हुए मैं हमारे भी जो श्रीदान जी हैं आदरणीय हास्य व्यंग के शिरोमणि, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, आप हमारे मंच पर आए, आपका स्वागत है। स्वागत है श्रीदान। हेलो, हाँ जी अभी तो माइक चल नहीं रहा। हेलो हेलो, हाँ आप सुनाई दे रहे सर। आ रहा है, आ रहा है। आप सुनाए। हाँ दादा प्रणाम, जय हो आपकी जय हो। आदरणीय आपका तो क्या है, आप मंच वाले हिसाब से चल रहे हो, मंच पे लोग आपको एक एक घंटा नहीं छोड़ते, डेढ़ घंटा नहीं छोड़ते हैं, वही आदत आपकी पड़ी हुई है। आज आपने आनंद कर दिया, मैं तो ये सोच रहा था कि आप सुनाते जाए सुनाते जाए ले में, आप जब आभारी हूँ कि आपने जो है आज कई वर्षों बाद आमने सामने अपन हुए हैं। काफी सालों पहले अपन उदयपुर में ही मिले थे। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? जी आ रही है। आ रही है, अच्छा अच्छा। मैं अब ज्यादा समय हो गया है, एक वयोवृद्ध कवि आपके सामने है, लेकिन मैं वयोवृद्ध नहीं हूँ। क्यों? कि मैं निजर जी से 20 साल छोटा हूँ, अगर मेरी उम्र में से 20 साल निकाल दो तो मैं 40 साल का बचता हूँ, इसलिए वयोवृद्ध नहीं। सुनिएगा, ज्यादा हम बात नहीं करते। ये 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित आपका ये कार्यक्रम, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा कविता पा रहा हूँ। है ऋणी आपका मन से पूरा वतन, है ऋणी आपका मन से पूरा वतन, कर रहा श्रद्धा से आज तुमको नमन। आजादी हित मिटे मिट अमर हो गए, सौंप कुर तुम गए लहलहाता चमन, सौंप हमको गए लहलहाता चमन। ये उन वीर शहीदों के नाम, क्या एक मुक्तक था। और लीजिए, क्योंकि यहाँ चेतक की और मेवाड़ की मारवाड़ की बात आई, मैं कुछ पंक्तियां मेवाड़ से उठा रहा हूँ, दादा सुनना किशोर जी। कि आओ मिलकर वीर प्रस्तुता इस माटी को नमन करें, आओ मिलकर वीर प्रसूता इस माटी को नमन करें, कट जाए भले पर झुके नहीं उस परिपाटी को नमन करें, काट काट अरे मुंडों को जहां भरती रक्त चढ़ाई थी, समरांगण सिर मोर धरा हल्दी घाटी को नमन करें, हल्दी घाटी को नमन करें। और सुरेंद्र भाई ने चटक किया, दिला दी 4 पंक्तियां चटक पे, कि बहुत अधिक जिससे हारा था उस थोड़े को नमन करें, अजी बहुत अधिक जिससे हारा था उस थोड़े को नमन करें, हकीम का सूरी और प्रताप के उस जोड़े को नमन करें, एक टांग कट गई मगर स्वामी को सुरक्षित पहुंचाया, स्वामी भक्त बेजोड़ अश्व चेतक घोड़े को नमन करें, चेतक घोड़े को नमन करें। और कारगिल में एक मेरी दीदी ने कारगिल पे कविता बोली, मैं कारगिल पे, मुझे याद आ रही है कि हमारे राजस्थान का झुंझुनू जिले का काशी के पास का एक ऐसा नौजवान राजपूत शहीद हो गया जिसकी शादी को 2 महीने हुए थे, सेना में भर्ती था, कारगिल चला गया, शहीद हो गया। जब उस नौजवान की पार्थिव देह गांव में आई तब सारे ही प्रशासन मिलिट्री के लोग पत्रकार सब वहां थे। आप सोचिए 2 महीने की सुहागन और जिंदगी भर विधवा उस लड़के का क्या हाल होगा जो राजपूत है। एक पत्रकार ने उस लड़की से प्रश्न पूछ लिया
किशोर जी प्रश्न पूछा एक पत्रकार ने, बहना अब तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। तब उस राजपूत की शेरनी ने जो पत्रकार को जवाब दिया, पत्रकार की बोलती बंद हो गई, राजस्थानी का एक क्षण सुनिया। वो कह रही उसे कि काला गाबा पैन सान सूझी लूंगी, काला रे गाबा पैन सान सूझी लूंगी, जीवन की फाटोड़ी चादर सी लूंगी, साजन हुआ शहीद देश की सीमा पर, अजी साहब हुआ शहीद देश की सीमा पर, मैं मीरा बन जहर को प्यालो पी लूंगी, मैं मीरा बन जहर को प्यालो पी लूंगी। दो महीना का साथ में सब कुछ दे गया वे, दो महीना का जी साथ में सब कुछ दे गया वे, मर्यादा कुल रीत कान में कह गया वे, गोदी में वाकी सेनानी आवेगा, अज होता ही मोटार सीमा पर जावेला, होता ही मोटार सीमा पर जावेला। ये थी खतरण की आवाज, पत्रकार मुंह छुपाता फिरा। लीजिए एक चार पंक्तियां और मैं मेरे राजस्थान से उठाता हूँ। संजय भाई देवगढ़ के पास भीम, भीम के पास का एक गांव का नीम सिंह जो कश्मीर में अभी पिछले दिनों शहीद हुआ, उसके साथ भी संजय देवगढ़ में एक आयोजन था, तो पहली रात हम वहां से कवि, दूसरे दिन वो उसके पार्थिव शरीर आया, तब हम भी वहां चले गए थे। तो वहां घटना ये घटी कि उस जो कश्मीर शहीद हुआ नीम सिंह, नीम सिंह का पिता गुमसुम खड़ा था, तो उस गुमसुम खड़े पिता से भी वहां पत्रकार ने प्रश्न किया कि ठाकुर साहब आपके दिल में क्या चलता है। तब उसने जो जवाब दिया वो भी सुना, ठाकुर साहब क्या चलता है, वो कह दिए क्या पिता कह रहा है शहीद का, यूं तो कई मर जाते हर रोज ही दंगे में, यूं तो कई मर जाते हर रोज ही दंगे में, जलने की जिद होती हर एक पतंगे में, सरहद की रक्षा में दिन रात खड़ा था जो, वो हो के अमर लौटा मेरा लाल तिरंगे में, वो हो के अमर लौटा मेरा लाल तिरंगे में। और अब समय हो तो एक गीत पढ़ना चाह रहा हूँ, नहीं तो यही विराम करता हूँ, एक गीत सुना देता हूँ, 5 मिनट का गीत है। नीरज जी सुनना जी, कि वतन की आन पर लिखो, वतन की शान पर लिखो, अमर जवान पर लिखो, खेत खलिहान पर लिखो, और लिखना यदि चाहो तो हिंदुस्तान पर लिखो, वतन की आन पर लिखो, वतन की शान पर लिखो। किस पे लिखे हम संजय भाई, किस पे लिखे हैं, लिखो लिखो उन भारत माँ की रक्षा के हित जो सीमा पर खड़ा हुआ है, भारत माँ की रक्षा के हित सीमा पर जो खड़ा हुआ है, दुश्मन की छाती के ऊपर भाले के सम गड़ा हुआ है, ले मौत हाथ में खड़ा हुआ, ले कफन साथ में खड़ा हुआ, सुख साधन वैभव सभी छोड़, अपने प्रियजन से मुंह को मोड़, जो पीड़ा चीन से उसमें जले, शैतान पर लिखो, वतन की आन पर लिखो, वतन की शान पर लिखो, लिखो उन दीवानों पर जो चलते थे अंगारों पर, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए जय हिंद के नारों पर, सह लिए कष्ट पर आहन की, प्राणों तक की परवाहन की, जो दीवारों में चुने गए। क्या बंद हो गया क्या टाइम? हेलो हेलो जी जी, चल रहा है, चल रहा है, आप सुनाएं। चल रहा है, बीच में एकदम कट गया नहीं। लिखो उन दीवानों पर जो चलते, नहीं अगर समझ नहीं तो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हेलो,
लिखो उन दीवानों पर जो चलते थे अंगारों पर, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए जय हिंद के नारों पर, सहलिए कष्ट परवाहन की प्राणों तक की परवाहन की, जो दीवारों में चुने गए और गोलियों से भुने गए, जलियांवाला बाग की दास्तान पर लिखो वतन की शान पर, लिखो वतन की शान पर लिखो के सत्य अहिंसा धर्म हमारा जगत गुरु कहलाते हैं, जो झुक करके बात करे उससे ज्यादा झुक जाते हैं, लेकिन जो आंख दिखाता हो हथियारों पर इतराता हो, हम उसको सबक सिखा देते मिट्टी में उसे मिला देते, जो मिटा के कर दे खाक उस तूफान पर लिखो वतन की शान पर, लिखो वतन की शान पर लिखो कि अपने खून पसीने से भारत माता को सींच रहा है, अजबैल चले गए ब्याज के पेटे हाथों से हल खींच रहा है, धरती माता का उदर चीर सह करके मन में खनी पीर, अपने घर में है कंगाली औरों को देता खुशहाली, उस परोपकारी कर्म वीर किसान पर लिखो वतन की आन पर, लिखो वतन की शान पर लिखो के समर भूमि में वार की महिमा, लिखो हल्दी घाटी पर शीश कटे झुकना नहीं जाने, लिखो उस परिपाटी पर वन वन भटका पर झुका नहीं, जो कदम बढ़ा फिर रुका नहीं, स्वामी भक्ति थी बेमिसाल कट गई टांग पर कर कमाल, प्रताप के साथी चेतक के बलिदान पर लिखो वतन की आन पर, लिखो वतन की शान पर लिखो। सुरेंद्र भाई, कमर बंदी औलाद लड़ी उस झांसी वाली रानी पर, शीश काट कर सौंपी जिसने आड़ी की सेनानी पर, लिखो जौहर की ज्वाला पर जल गई सैकड़ों बाला पर, हंसती हंसती सुट कटा दिया संकट का बादल हटा दिया, स्वामी भक्त उस पन्ना की संतान पर लिखो वतन की आन पर, लिखो वतन की शान पर लिखो। और गीत का आखिरी बंद, अरे ये वो ऐसा देश जगत में जिसका कोई निशानी है, अजी ये वो ऐसा देश जगत में जिसका कोई निशानी है, सब धर्मों का मेल जहां वो माटी हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते भाई भाई, सब धर्मों का है मान जहां राखी होली रमजान जहां, नानक कबीर मीरा तुलसी रस खान पर लिखो वतन की आन पर, लिखो वतन की शान पर लिखो, अमर जवान पर लिखो खेत खलिहान पर लिखो, और लिखना यदि चाहो तो हिंदुस्तान पर लिखो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सिटी केबल का आभार। धमाकेदार धमाकेदार प्रस्तुति आपने जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। सब धर्मों का मेल जहां मिट्टी हिंदुस्तान की है, बहुत खूब। एक जो आज के जो दिन के जो पंचलाइन हो सकती थी, सबसे खूबसूरत पंक्ति हो सकती थी, वो आपने दी है। आपका एक जादुई व्यक्तित्व है। आप सभी जनों का जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं, और समय हालांकि बहुत ज्यादा हो गया, मुझे नहीं पता कि ये ऑनलाइन कार्यक्रम ऐसे कितना लंबा चल रहा होगा, लेकिन मैं किशोर पारिक जी से इजाजत चाहके आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ। हमारे बीच जितने भी बड़े ख्यातनाम और विख्यात सम्माननीय कलमकार हैं, कवि हृदय हैं, आप सभी का अभिषेक जी, अनु सोगानी जी, सुनीता बिश्नोलिया जी और किशोर पारी किशोर जी जो संयोजक ही हैं हमारे साथी, और मृदुला कोठारी जी कलकत्ता से, मृदु जी भरतपुर से, सुरेंद्र सार्थक जी तथा कोटा की धरती से
संजय शुक्ला जी का और हमारे बीच जो सबसे सबसे जादुई व्यक्तित्व वाले जो बैठे हैं हाशी व्यंगकार, लेकिन आज आपने हाशी नहीं सुनाया सर, मैं इंतजार कर रही थी। तो श्रेणी दानचरण जी का उदयपुर से, तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ओमपाल सिंह जी निडर जी का जो प्रोफेसर हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। समय की पाबंदी रहती है, समय की सीमा रहती है, और इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। तो आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मेरे जो यहाँ पे हमारे सिटी लाइफ के जो दर्शक हैं, श्रोतागण जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही कार्यक्रम आपके लिए लेके आते रहेंगे और फिर से हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे और हम सभी आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। नमस्कार। City Live, a platform to sharing your thoughts.